नमस्कार, हंगामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। वाराणसी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के क्रम में बुधवार को मड़ुआडीह सब्जी मंडी के आसपास के अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया और रोड चौड़ा करने हेतु जमीन को किया गया बराबर। वाराणसी के पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल के क्रम में 9 इंस्पेक्टरों के किए गए तबादले। वाराणसी के जिलाधिकारी ने जनपद वाराणसी में ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 14 जनवरी तक बंद करने के दिए आदेश। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस के जवानों ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाश पकड़े, जिनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 सेंट्रो कार व बाइक की बरामद। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में चल रही सेना बहाली के दौरान हुई भगदड़ में बुधवार को एक युवक की हुई मौत तथा 3 हुए घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध खनन करने वाले 9 कारोबारियों को उच्च न्यायालय के आदेश पर अपना पक्ष रखने के लिए 17 जनवरी को लखनऊ सचिवालय में तलब किया गया। राजस्थान के अलवर के सदर थाना क्षेत्र में अचानक चैन पुलिंग से बरेली एक्सप्रेस झटके से रुकने पर 2 लोगों के गिरने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों भाई बहन थे। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑस्ट्रेलिया में समानता दिवस के मौके पर सामूहिक समलैंगिक विवाह का आयोजन किया गया। जी, हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने पिछले साल दिसंबर में एक जनमत सर्वेक्षण के बाद बहुमत के साथ समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के कारण आए बाढ़ और भूस्खलन से 13 लोगों की हो गई है मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में 16 जनवरी को करेंगे मुलाकात। हंगामा न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।